आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार यानी आज मोदी सरकार के एक साल के जश्न पर वार किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सुसाइड के एक मामले को उठाते हुए यह कहा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आज इसी तरह के कष्ट में हैं। एक दुखद घटना में उत्तर प्रदेश के भानु गुप्ता ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी का हवाला दिया कि काम बंद हो चुका है, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। यह शख्स खुद बीमार था और अपनी बीमार माता का भी इलाज कराना चाहता। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि सरकार से केवल राशन मिलता था, और भी तो चीजें खरीदनी पड़ती हैं, और भी जरूरतें होती हैं। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि ये पत्र शायद आज एक साल के लिए जश्न वाले पत्र की तरह गाजी बाजी के साथ आपके पास ना पहुंचे, लेकिन इसको पढ़िएगा जरूर। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आज इसी तरह के कष्ट में। वही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने शनिवार यानी आज को केंद्र सरकार को एक सलाह दी। उन्होंने सलाह दी कि अपनी अपनी नीतियों और कार्यशैली के बारे में खुले मन से समीक्षा करनी चाहिए। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर आज अनेक दावे किए गए, किंतु वे जमीनी हकीकत और जनता की सोच समझ से दूर ना हो तो बेहतर है। उन्होंने कहा, वैसे सरकार का यह कार्यकाल अधिकतर मामलों में काफी विवादों से घिरा था, जिन पर इनको देश और जनता के हित में गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे में केंद्र सरकार को अपनी नीतियों और कार्यशैली के बारे में खुले मन से विचार कर समीक्षा करनी चाहिए, और जहां पर इनकी कमियां रही हैं उन पर इनको पर्दा डालने की बजाय उन्हें दूर करना चाहिए। बसपा की इनको देश एवं जनहित में यही सलाह है। सरकार बनाना नहीं चाहते हैं, हम काम करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। हमारी सरकार में हुए कामकाज आज भी लोगों के लिए उदाहरण है। हमने बीएसपी से गठबंधन वोटों के बिखराव को रोकने के लिए किया था। गठबंधन से बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही अखिलेश यादव ने बसों पर राजनीति को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। बिना नाम लिए हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को किसी से मदद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि राज्य में 70,000 बसे हैं। अगर सरकार चाहती तो लोगों को भरोसा दिलाकर इस समस्या का हल निकाला जा सकता था। वहीं महाराष्ट्र में सरकार बनाने के दौरान अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वह एक व्यक्तिगत निर्णय भी हो सकता है गलत फैसला भी लिया गया हो। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार बनाने की बात हुई तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी और शिवसेना की सरकार बननी तय थी, और बननी भी चाहिए थी क्योंकि उनका बहुमत था। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारे पास नंबर नहीं था, इसलिए हमें विपक्ष में बैठना था, लेकिन जब बीजेपी और शिवसेना में अनबन होने लगी और काफी समय तक अनिश्चितता की परिस्थिति बनी रही, तो हो सकता है उस दौरान अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने बात की हो। उन्होंने बात की हो कि ये सरकार नहीं बन पा रही, आप ही हमारे साथ आ जाइए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कुछ बातों को पर्दे के पीछे भी रहने देना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि इसमें कुछ छिपाने की बात है, लेकिन अब जो हो चुका है और सब बीत चुका है तो उस पर बात ना ही हो। बाद में अजित पवार ने यह भी कहा कि मेरी मनसा एनसीपी को नाराज करने की नहीं। वहीं हरियाणा के रोहतक के सेक्टर 2 स्थित एक निजी स्कूल में गुजरात की रहने वाली महिला के सिर पर जानलेवा प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गई। महिला का शव कमरे में पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना पर अरवन स्टेट थाना पुलिस और डीएसपी महेश कुमार मौके पर पहुंच गए। इसके बाद एफएसएल टीम को जांच के लिए मौके पर बुलाया गया। महिला के सिर को ईंट से कुचला गया था। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल शव पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया और पुलिस मामले की जांच करने में जुटी है। मौके पर डीएसपी महेश कुमार ने कहा कि इस मामले में उन्होंने एक युवक को हिरासत में लिया है, और प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृत महिला रुक्मणी गुजरात की रहने वाली थी। यह लोगों के घरों में पहले सफाई का काम करती थी, फिलहाल एक सप्ताह से इस स्कूल में रह रही थी। उन्होंने बताया कि महिला के कई लोगों के साथ प्रेम संबंध थे। गिरिडीह के तिसरी थाना क्षेत्र के कलवा गांव के पास विवादित जमीन पर निर्माण कार्य रुकवाने गई पुलिस टीम पर महिलाओं ने एक पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले में एसआई शारद कुमार सहित 5 महिला आरक्षी घायल हो गई। सभी का इलाज तिसरी सीएचसी में करवाया गया। घायल महिला आरक्षी में मिथिला कुमारी, पवनी मंडल, सुष्मिता कुमारी और पिंकी शामिल है। बताया जा रहा है कि कलवा गांव स्थित नदी के पास एक विवादित जमीन पर एक पक्ष द्वारा चहार दीवारी का कार्य करवाया जा रहा। इस दौरान दूसरे पक्ष के नीरज शाह ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद इसी दौरान
महिलाओं ने पुलिस टीम के साथ नोकझोंक शुरू कर दी। बाद में महरी थाने की पुलिस निर्माण कार्य को रोकने के लिए कलवा गांव पहुंची। लाओ ने ईंट पत्थर से हमला कर पुलिसकर्मियों को वहां से खदेड़ दिया। इस घटना के बाद पुलिस गांव पहुंची, उसके बाद 6 महिलाओं सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव। नमस्कार।